अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो इस चीज़ पर है कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो ऑटो लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऑटो लेवल का इस्तेमाल मुख्तलिफ कामों के लिए किया जाता है। आपने मैसनरी के कुछ निशान लगाना है, लेवल लगाना है, आपने फ्लोर का लेवल लगाना है। ठीक है, बिल्डिंग का आपने रोड लेवल निकाल के लिखना है, वो आप इजीली वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे इसका इस्तेमाल किया है, फ़र्श के आपने टीए लगाने हैं, टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपने लगानी है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो इजीली कर लिया जाता है। वो वाटर लेवल का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वाटर लेवल के अंदर जो होता है वो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसके अंदर जो वर्किंग भी जो होती है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती, वो एक पुराना तरीका है। लेकिन आजकल ज़्यादातर ऑटो लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अगर कोई मेगा प्रोजेक्ट्स होता है वहाँ पे थोड़ा टोटल स्टेशन का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑटो लेवल का मोस्टली ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर। तो आज हम आपको ऑटो लेवल की जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है, ऑटो लेवल को आपने जो उसको सेट करना होता है रीडिंग पढ़ने से पहले, लेवल लगाने से पहले, वो किस तरह किया जाता है उसके बारे में हम बताते हैं। जी, ये देखिए हमारे पास ये ऑटो लेवल के जो है ना वो अपना मटेरियल सामान जो है उसके इंस्ट्रूमेंट जो पड़े हुए हैं, जिस तरह ये हमारे पास ये स्टाफ है, इस स्टाफ की मदद से जो होता है ना वो हम रीडिंग नोट करते हैं कि हमारे कितने फिट या इंची। ये इंचों वाली और फिटों वाली साइड आपको नज़र आ रही है, और इसकी दूसरी साइड जो है ना ये मीटरों में है। ठीक है, और इसका ये ट्राईपोड स्टैंड है जिसके ऊपर यानी कि ऑटो लेवल को इसके ऊपर एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर रीडिंग पड़ी जाती है, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑटो लेवल को किस तरीके से जो है ना वो हमने इसके ऊपर एडजस्ट करना है। सबसे पहले इसके ऊपर ये साइड पर बेल्ट होता है वो आपने उतारना है, और इसके अलावा ये जो स्क्रू लगे हुए हैं इसको आपने लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, इधर हम ले आते हैं, यहाँ पे हम रखते हैं, और इसको आपने जब ऊपर की तरफ लेकर आना है तो इसकी हाइट आपने इतनी रखनी है कि आपके जो शोल्डर हैं इनके बराबर आने चाहिए। ठीक है, और फिर आपने इनको क्या कर देना है, जो इसके स्क्रू आ रहे हैं इनको आपने टाइट कर देना है। क्या कर देना है, अच्छी तरह आपने टाइट कर देना है। ये देखो मैंने इसको अच्छी तरह टाइट कर दिया। ठीक है, टाइट करने के बाद इसकी दो लेग्स को मैंने पकड़ा, और पकड़ कर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रख दिया। ये अंदाज़न आपने देख लेना होता है कि इसकी जो बेस प्लेट है ये बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, और बॉक्स को आपने खोलना है, और इसमें से हमने ये ऑटो लेवल निकालना है, और इस ऑटो लेवल को आपने इधर ट्राईपोड पर रखना है। ठीक है, ट्राईपोड पर रखने के लिए आप ऐसे इसको ट्राईपोड पर रखें, और ये नीचे आपके पास स्क्रू है जिसकी मदद से आपने इसको अच्छी तरह कस देना है। जी, कसने के बाद ये हमारे पास ऑटो लेवल है। ऑटो लेवल के पहले मैं कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जी, पार्ट्स के बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये वाले जो है ना इनको कहा जाता है लेवलिंग स्क्रू। इनको क्या बोलते हैं, लेवलिंग स्क्रू बोलते हैं। ठीक है, अब ये स्लो मोशन रोटेशन के लिए होता है कि आपने ऑटो लेवल को अगर स्लो स्लो आपने रोटेट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको ऑब्जेक्ट ग्लास बोला जाता है, जिसे हम किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। उसके बाद ये वाली जो चीज़ है इसको हम आईपीस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से हमने आँख की मदद से किसी चीज़ को देखना होता है, और ये जो होता है ये टारगेट फाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने टारगेट करना होता है, इसको टारगेट फाउंडर, और ये वाला जो सक्रिय होता है इसकी मदद से फोकसिंग की जाती है। अगर आपको आगे से ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ से आपने फोकसिंग का काम करना होता है। ठीक है, उसके बाद ये आईपीस होता है, इसके बाद आईपीस की ये फोकसिंग होती है। यहाँ से इसके अंदर ना क्रॉस ईयर्स होते हैं, वो क्रॉस ईयर्स जो होते हैं उनको बिल्कुल वाजिया करने के लिए जो होता है ना वो आईपीस की यहाँ से फोकसिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अब इसकी, अब आपने जब इसके ऊपर काम करना है तो सबसे पहले आपने ये जो इसके स्क्रू हैं इनको आपने बंद कर देना होता है। ठीक है, यहाँ से आपने इनको सभी जितने भी स्क्रू हैं सबको आपने पहले, जी, करने के बाद आपने क्या करना होता है, ऑटो लेवल को सेट करने के लिए मोस्टली साइड के ऊपर जो होता है वो लेग्स की मदद से किया जाता है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये स्क्रू का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपने सबसे पहले ये जो इसका बबल है, ये देखें ये जो इसका बबल है इसको आपने ये सेंटर में लेकर आना होता है। उसके वक्त ये आपको जो ऑटो लेवल होता है बिल्कुल लेवल में आ जाता है। ठीक है, इसको लेवल को में करने के लिए टाइम्स भी होता है, 15 से 16 सेकेंड्स होते हैं। ये देखिए हम इसको लेवल करते हैं, और ये हमारा जो है ना लेवल हो गया। ठीक है, ये बस हमारे पास इतना सा टाइम लगा है, ऐसे को 5 सेकेंड, और ये आपके पास ये लेवल हो गया। ठीक है, आपको ये बबल नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल अब सेंटर में आ रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इसका फ़र्क हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, वो आपने यहाँ से कर लेना होता है। ठीक है,
और ये इसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट होती है जब आपने इसको लेवल कर लेना। अब लेवल करने के बाद आगे वाला मरला शुरू होता है जो आपने रीडिंग्स वगैरह पढ़नी है। तो आज मैंने आपको यही बताना था कि ऑटो लेवल क्या होता है उसके मुकम्मल, यानी कि आपने तो ऑटो लेवल की ये मैंने सेटिंग के बारे में बता दिया। अब नेक्स्ट जो इसके बाद लेक्चर है वो स्टाफ के बारे में होगा कि स्टाफ पर आपने रीडिंग को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे आपको पता चलेगा कितने फीट कितने इंच अप या डाउन है, इसके बारे में होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।